हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर वंस अगेन। मैं हूं अंकुश ठाकुर, आपका जो फैकल्टी ऑफ जीएस, और हम लोग जो है गाइस, हम लोग खासकर मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं आपको ज्योग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है वो पढ़ा रहा हूं गाइस। कल मेरी जो है पहली वीडियो आई थी गाइस, एंड उसमें ढेर सारा प्यार गाइस आप लोगों से देखने को मिला। थैंक यू वेरी मच गाइस, एंड ऐसे ही हमें सपोर्ट की जो है करते रहिएगा गाइस। हमारी आप जो है अपकमिंग जो हमारी वीडियोज़ रहने वाली हैं गाइस, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड वही प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। सो गाइज, कल मैंने आपको बताया था दैट आई विल शो यू एन इमेज, मैं आपको एक इमेज दिखाऊंगा जिसमें कि आपको पता चलेगा कि हमारे हिमालय स्ट्रक्चर मतलब फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो गाइज, ये इमेज मैं लेकर आया हूँ आज की वीडियो में आपके लिए। ये क्या है? फिजियोग्राफिकल डिवीजन है इंडिया की, ठीक है। फिजियोग्राफिकल डिवीजन ये देख पा रहे हो गाइज आप, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। यहां पर आप देख सकते हो गाइज, यहां से देखिए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे दैट इस इमेज में कुछ पार्ट जो है गाइस वो ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ है। जैसे कि यहां से मैं ये ले लूं, ये वाला आप इमेज देख पा रहे हो, तो यहां से ये जमीन थोड़ी ऊपर उठी हुई है, ठीक है गाइस। ये जमीन ऐसे है काइंड ऑफ, ठीक है, पूरा वॉल की शेप में है ये। सो गाइस, दीज आर आवर हिमालयन रीजन, ये हमारा हिमालयन रीजन है। मतलब मैंने आपको क्या बोला था, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय रीजन इज शिवालिक्स। तो काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि ये शिवालिक्स है यहां से ऐसे। फिर आप देख रहे हो एकदम प्लेन सा एरिया आ रहा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहां पर, एंड दिस इज योर प्लेन एरिया। ये आपका प्लेन्स है, जो इंडिया के प्लेन्स है गाइस, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है वो प्लेन्स का पोर्शन है। वहीं पर अगर आप इस वाले पोर्शन को देखो तो ये आपका क्या बन रहा है गाइस, प्लेट्यू बन रहा है। प्लेट्यू क्या है? ये जमीन से थोड़ा ऊपर की तरफ उठा हुआ है, एंड देन इट इज डिवाइडेड लाइक दिस, ऐसे है, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ और ऐसे फ्लैट शेप में ऐसे, ठीक है ना। ये देख पा रहे हो आप, जमीन से काफी ऊपर जो है ये उठा हुआ है। तो ये है गाइस आपके क्या है, जैसे यहाँ कोस्टल एरिया है, एंड देन वी हैव प्लेट्यूज, इसको हम क्या कहते हैं गाइस, प्लेट्यू कहते हैं। सो गाइस, ऐसे इमेजेस को देखिए जिनसे आपको हेल्प मिल सके आपके स्टडी में, ठीक है। यही हमारी जैसे कि बहुत सारे एक आधे बच्चे का मैंने कमेंट देखा था वीडियो में, वो कह रहे हैं कि आप जो है मैप यूज़ कीजिए। आई विल यूज़ द मैप, मैं मैप को यूज़ करूँगा लेकिन जहाँ पर मुझे लगेगा कि मैप यूज़ करना है। ऐसे अब मैं आपको पहाड़ों की इमेज, ऐसे पहाड़ की इमेज दिखा के कह नहीं सकता हूँ कि ये है, ये है ना। तो कोशिश रहेगी मेरी कि मैं जब मैप आपको रियल वे में जहाँ पर मैप लगेगा, अगर आपने इंडियन ज्योग्राफी देखी होगी गाइज तो उसमें भी मैंने मैप का प्रॉपर यूज़ किया हुआ है, आप एक बार जाकर उसको ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइज, आज का हम लोग वीडियो सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, एंड द वीडियो सेशन जो, ये तो आज इमेज आपको दिखानी थी। कल हमने जो पढ़ा था गाइज, हमने कल किसके बारे में पढ़ा था? कल हमने मिडल हिमालयाज के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन की थी। हमने देखा था मिडल हिमालयाज कहाँ पर हैं, उनकी एवरेज एलिवेशन के बारे में डिस्कस किया था, उनके बीच में पाए जाने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी प्लेसेस थे उनको हमने डिस्कस किया था गाइज। नाउ आज का हमारा जो क्लास है गाइज वो रहने वाला है, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले ग्रेटर हिमालयाज के बारे में। कहीं ना कहीं जब हम लोग जम्मू एंड कश्मीर की फिजियोग्राफी की बात करते हैं तो ग्रेटर हिमालयाज को भी हम काउंट कर लेते हैं, बिकॉज मैंने आपको बोला ना कि जम्मू एंड कश्मीर की जो फिजियोग्राफी है वो ऐसी है कि आधा जम्मू प्लेन में है, आधा जम्मू पहाड़ी इलाका है, आधा जम्मू किसी दूसरे लोकेशन पर है, क्या भी किसी की कौन सी, अलग अलग एरिया के अलग अलग रिलीफ फीचर्स आपको देखने को या पढ़ने को मिलेंगे गाइस। सो उन सबको आपने स्टडी करना है। स्टडी क्या है, बल्कि साथ साथ उन सबको जो है वो ध्यान से बारीकी से जो है उनको डिस्कस करना है। एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है गाइस, हर चीज से आपको जो है वो क्लियर होना है। तो बात हो रही है यहाँ पर ग्रेटर हिमालयाज की। तो ग्रेटर जो हिमालयाज है गाइस, ये कहाँ पर पाए जाते हैं? जो पीर पंचाल है उसके नॉर्थ ऑफ द पीर पंचाल, किसमें? नॉर्थ ऑफ द पीर पंचाल एंड धौलाधार रेंज जो है उनके नॉर्थ में अगर आप चलना स्टार्ट करोगे, आप देखो ना, आप मैप ले लीजिए,
मैप पर अगर आप देखोगे तो एकदम जो रेंज आप डिस्कस कर रहे हो, जैसे अभी यहाँ पर ये कह रहा है पीर पंजाल और धौलाधार, इसके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं, इन्हीं के बिल्कुल नॉर्थ में। अब क्या कहने का मतलब है, अगर ये आपका पीर पंचाल या धौलाधार रेंज है, इसके एकदम नॉर्थ के ऊपर आप चलना स्टार्ट करोगे तो आपको जो उसके बाद लाइन मिलेगी, जो स्ट्रेच मिलेगा माउंटेन, जो माउंटेनियस स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा फैलाव में, एलिवेशन एलिवेटेड और स्ट्रेच लॉन्ग वे में जो माउंटेन्स आपको दिखेंगे, हम उनको कहते हैं ग्रेटर हिमालयस। गाइस कल हमने सबसे पहले तो इस तरीके से प्लेन्स को देखा, प्लेन से ऊपर हम शिवालिक्स पर गए, फिर उसके बाद हम मिडिल हिमालयस पर गए। नाउ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये वाली रेंज का, जो आपकी थर्ड रेंज है, और ये रेंज जो है उसको हम कहते हैं ग्रेट हिमालयस। ठीक है, तो ग्रेट हिमालयस जो है वो क्या है, किस चीज़ का नाम है? तो गाइज देखिए, ग्रेट हिमालय जो है उसमें आपने जैसे जंस्कार जैसे नाम सुने होंगे या काराकोरम रेंज सुना होगा। सो बेसिकली जंस्कार और काराकोरम रेंज जो है, वो जो रेंज है ना, उन रेंज, वो रेंज किस हिमालयन पार्ट का हिस्सा है, वो है आपके ग्रेट हिमालयस का हिस्सा। गाइज बहुत बार पेपर में ऐसा भी पूछा जाता है दैट जंस्कार या आपको पूछा जाएगा काराकोरम जो रेंज है वो किस हिमालयन रेंज का हिस्सा है। सो गाइज आपको पता होना चाहिए दैट जंस्कार एंड काराकोरम रेंज जो है गाइज, वो हमारे ग्रेट हिमालयस का जो है वो पार्ट है। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इनकी एवरेज हाइट अगर देखी जाए आपके ग्रेटर हिमालयस की, तो वो रहती है 6100 मीटर फ्रॉम द सी लेवल, 6100 मीटर जो सी लेवल है गाइस, उससे ऊपर उनकी हाइट रहती है। गाइस क्लियर हो गया आपके, गाइस आपको पता चला दैट ग्रेटर हिमालयस कहां पर है, मिडिल हिमालयस के नॉर्थ में, और मिडिल हिमालयस के नॉर्थ में जो है आप जाओगे तो आपको ग्रेटर हिमालयस मिलेंगे, और काराकोरम और साथ ही साथ जो आपका जंस्कार और काराकोरम जो है, दो इंपॉर्टेंट पीक्स हैं गाइस इस रेंज की। और इन अगर इस रेंज, इस ग्रेटर हिमालयस की अगर आप बात करो तो इसकी जो एवरेज हाइट रहती है वो रहती है 6100 मीटर फ्रॉम द सी लेवल। गाइस क्लियर हो गया गाइस आपको। चलिए अब बात करें आपके जंस्कार रेंज की, कि जंस्कार रेंज क्या है या क्या है उसमें। तो जंस्कार रेंज जो है उसकी एवरेज हाइट जो है वो वैरी करती है, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में उसकी जो है अब वो हाइट होगी 45 से लेकर 61, मतलब 4500 मीटर से लेकर अगर आप 6100 मीटर, तो मतलब कहीं पर देखोगे आप तो ये 4500 मिलेगा, कहीं आपको 5000 मिलेगा, कहीं आप पर ये थोड़ा 5500 मिलेगा, कहीं पर आपको 6000 मिलेगा। तो ये वैरी करता है जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे जैसे आप, अब ये क्या होता है ना, ऐसे स्लोप्स होते हैं इनके, पहाड़ कैसे होता है गाइस, ऐसे उठा हुआ एंड देन आप देखते हो कि वो ऊपर उठा हुआ है, फिर ऐसे है, तो उसकी जो हाइट है वो अलग अलग जगहों पर आपको उसकी जो एवरेज है, जो ये मिडिल हिमालयस हैं उनका जो मतलब आप देखोगे तो वैरी करता है ये, अलग अलग जगहों इसकी एलिवेशन जो है गाइस वो वैरी करती है गाइस। साथ में देखें गाइस तो जो इन द नॉर्थ, अगर आप जंस्कार के नॉर्थ में चले जाओ, कश्मीर रेंज फॉर्म्स द अपर पार्ट ऑफ जंस्कार रेंज। जैसे कश्मीर में जो है आपका कश्मीर रेंज जो है गाइस, वो भी आपके जंस्कार का हिस्सा है रेंज का, और आल्सो फॉर्म्स द नॉर्दर्न ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द कश्मीर वैली। और कश्मीर में जो नॉर्थ और साथ ही साथ गाइस ये कह रहा है नॉर्दर्न और ईस्टर्न बॉर्डर जो बनता है, अगर आपका ये मैं कश्मीर लेता हूँ जिसको हम वैली कहते हैं, बिल्कुल वैली हम उस लैंड को कहते हैं जो चारों तरफ से घिरी होती है पहाड़ों के साथ। तो गाइज ये कह रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द कश्मीर वैली कौन, जंस्कार रेंज कहाँ पर है, नॉर्थ ईस्टर्न में। नॉर्थ कहाँ पर है गाइज, यहाँ पर है, ईस्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो पहाड़ है गाइज कश्मीर में, ये जो पहाड़ है ये है कौन से गाइज, आपके जंस्कार रेंज है गाइज। ठीक है, जंस्कार रेंज कश्मीर में कहाँ पाई जाती है, नॉर्थ ईस्ट में, ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, कहाँ पर है गाइज, ये नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है आपका, वो किसका किसका किसने रोका हुआ है वैली को, उस तरफ से घेरा हुआ है हमारे जंस्कार रेंज ने। ठीक है ना, इस तरीके से आपने पढ़ना है, खुद से इमेज ड्रॉ करके पढ़िए, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा चीज़ों का। ठीक है, बाद में हमने क्या देखा गाइस कि द एल्टीट्यूड ऑफ दिस रीजन इंक्रीज। अब हम क्या देखते हैं कि जैसे ही ग्रेटर हिमालय से, हमने देखा कि हम शिवालिक से ऊपर गए, मिडिल हिमालय से ऊपर गए, इनकी जो हमने हाइट है ना उसमें वेरिएशन देखना स्टार्ट कर दिया। हमने देखा कि अगर जो आपका शिवालिक से वो इतने रेंज का है
तो मिडिल हिमालयस इतना होगा, ग्रेटर हिमालयस इतना होगा और अगले वाला उससे भी ऊंचा होगा। तो हमने क्या देखा दैट जैसे जैसे हम नॉर्थ की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, यहां पर देखिए हम लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, तो नॉर्थ की तरफ हम जैसे जैसे जा रहे हैं हम क्या देख रहे हैं कि हमारे माउंटेन जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनकी एवरेज एलिवेशन में या एवरेज हाइट में वेरिएशन आना स्टार्ट हो गई है, उसमें चेंज आना स्टार्ट हो गई है, उनकी हाइट जो है वो ज्यादा होना स्टार्ट हो गई है। साथ ही साथ गाइज अगर मैं बात करूं आपके जंस्कार रीजन की, तो जंस्कार रीजन में क्या है, एल्टीट्यूड ऑफ दिस रीजन इंक्रीज टू द नॉर्थ आप जाओगे और यहां पर जंस्कार और सुरु रिवर्स जो हैं वो फ्लो करती हैं। ठीक है, याद रखिएगा सुरु रिवर एंड जंस्कार रिवर जो हैं वो जंस्कार रेंज में फ्लो करती हैं गाइज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें गाइज, तो आता है आपका काराकोरम रेंज। अब काराकोरम रेंज में क्या है गाइज, काराकोरम रेंज जो है वो लाइज करती है टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द जंस्कार। जंस्कार रेंज है उसके ऊपर चलना स्टार्ट करोगे, जो आपका थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको दिखेगा पहले जंस्कार है, जंस्कार के ऊपर है फिर जो दूसरे पहाड़ हैं उनको हम क्या कहेंगे, काराकोरम रेंज कहते हैं। और ये जो है वो नॉर्दर्न पार्ट है ऑफ द कश्मीर, और कश्मीर के एकदम नॉर्थ में आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा दैट दिस कश्मीर एंड नॉर्थ इधर है, ईस्ट इधर है, इसमें कवर हैं आपके कौन से पाले, काराकोरम। लेकिन यहां पर जो पहाड़ होंगे गाइस वो हैं आपके कौन से, आपके काराकोरम रेंज। कौन से हैं गाइस, काराकोरम रेंज ऐसे है, और यहां पर है आपके कौन से, जंस्कार रेंज। समझ आ रही है गाइस, तो ये पहाड़ ऐसे हैं गाइस, ऐसे हैं, देन इसके ऊपर से ये होगा, इसके ऊपर से एक और होगा, है ना, इधर से दूसरे पहाड़ है इधर से, तो इस तरीके से हमारी वैली जो कश्मीर वैली है गाइस वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है। गाइस ज्योग्राफी पढ़ने के लिए एक तो आपका इमेजिनेशन लेवल टेलीस्कोप जितना होना चाहिए, जैसे टेलीस्कोप आप जमीन से देखते हो तो चांद तारे सब नज़दीक आते हैं ना, सेम आपका जो फोकस है ज्योग्राफी का उस तरीके से रहना चाहिए, आपका इमेजिनेशन लेवल काफ़ी हाई होना चाहिए, आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे मैं पहाड़ कह रहा हूँ कि यहाँ से ये पहाड़ है वहाँ से वो पहाड़, तो आपके माइंड में एकदम से इमेज बननी चाहिए दैट एक बाउल है और बाउल जो है वो हमारा कश्मीर है, उसके पहाड़ चारों तरफ पहाड़ किस तरीके से होंगे, है ना, या आप लोग गूगल मैप खोल लो उस पे आपको दिखेंगे एंड यू विल आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी पॉइंट वेरी केयरफुली गाइस। ठीक है, चलिए, इट इज द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट माउंटेन रेंज। और बात की जाए गाइस आपकी काराकोरम रेंज जो है वो दुनिया की जो सेकंड नंबर पर जितनी हाईएस्ट पीक्स आती है ना वो सारी की सारी इसी काराकोरम रेंज का हिस्सा है। जैसे वर्ल्ड में K2 जो है गाइस सिचुएटेड इन दिस रेंज, POK में है ये। ठीक है, अगर एवरेज हाइट की बात करूं तो 8611 मीटर इसकी हाइट है, और ये जो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है रेंज है मतलब पीक है इंडिया में, POK एरिया में है एक्चुअली में ये। ठीक है, जैसे आपका आता है ये वाला माउंट एवरेस्ट आता है, तो माउंट एवरेस्ट तो वर्ल्ड का आ गया ना नेपाल में, लेकिन इंडिया का अगर देखा जाए तो K2 ही आता है गाइस, या गॉडविन अस्टिन भी इसको कहा जाता है। सो देर आर सो मेनी नेम जो इसमें आपको आने वाले हैं। तो गाइस जो आपका K2 है इज बिलोंग टू विच रेंज, इट बिलोंग टू काराकोरम रेंज, एंड काराकोरम रेंज जो है वो बिलोंग करती है ग्रेटर हिमालयस का गाइस। ठीक है, क्लियर है ये पॉइंट भी। नेक्स्ट अगर हम देखें गाइस, तो विंटर टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली कोल्ड रहता है इस रेंज में, अगर आप काराकोरम रेंज की बात करो गाइस, ड्यू टू इट्स हाइट। जो यहाँ पर सर्दियों का मौसम होता है काफ़ी ठंड वाला मौसम होता है, काफ़ी सर्दियाँ आपको जो है वो देखने को इस एरिया में मिलेंगी। सम ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेसेस लाइक और जैसे द्रास जैसा जो एरिया है गाइस काफ़ी कोल्डेस्ट प्लेसेस में माना जाता है वर्ल्ड के, वो भी आपके काराकोरम रेंज में का हिस्सा है। जंस्कार और काराकोरम रेंजेस जो है वो प्रिवेंट भी करते हैं गाइस, लेकिन इनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है कि जंस्कार और काराकोरम रेंज जो है जो सेंट्रल एशिया से विंड्स इंडिया आती है ना, ये साइबेरिया वाइबेरिया में आप देखते हो कि कितनी ठंड होती है, उस सर्दी को इंडिया में एंटर होने नहीं देते, दे विल प्रोटेक्ट अस फ्रॉम दैट, मतलब जो कोल्ड है वो ठंडी हवाएँ हैं जो आपके ईस्ट से आएंगी। ठीक है, सॉरी इससे कह रहा हूँ, सेंट्रल एशिया से जो उठकर आती हैं वो इंडिया में एंटर होने नहीं देते हैं, और कहीं ना कहीं गाइस मॉनसून में भी इनका काफ़ी रोल प्ले रहता है। हिमालय जो पहाड़ हैं गाइस वो बारिश के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे तो हमारे लिए बहुत मैटर करते हैं, बिकॉज इन एरियाज़ में बहुत हैवी रेनफॉल भी होता है जिससे हमारे रिवर सिस्टम बनते हैं, एंड रिवर सिस्टम आपको पता ही है कि हमारे लाइफ की जो ओरिजिनेट है जो ओरिजिन है वो भी पानी में हुई है। सिविलाइजेशन इस दुनिया की स्टार्ट हुई है तो पानी के आसपास ही हुई है, सो पानी हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको पता ही है।
अगर बात की जाए गाइज आपके ग्रेटर हिमालयाज की, तो ग्रेटर हिमालयाज के जो पहाड़ हैं गाइज, दे आर मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड जेनेसिस रॉक्स से बने हुए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। लास्ट वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ दैट कौन से पहाड़ों में किस तरीके के मेटल्स आपको या कौन से मटेरियल मिलता है, वो भी आपने याद रखना है दैट दिस ग्रेटर हिमालयाज इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट जेनेसिस रॉक से बना हुआ है ये गाइज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखें तो काराकोरम जो है गाइज अलॉन्ग विद अदर एरियाज, काराकोरम साथ साथ जो उसके एरियाज हैं अराउंड उसके हिमालयन रीजन को, उनको हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइज? रूफ ऑफ द वर्ल्ड, ये भी याद रखना। दैट आपको पूछ सकता है कि कौन से पहाड़ों को जो है वो रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, अरावली है ना, या आपको हिमालयन, या और भी दो तीन ऑप्शंस दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि जो हिमालयन हमारे माउंटेन्स है दे ऑल्सो नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड गाइज। ठीक है, क्लियर है गाइज ये पॉइंट? इसमें कुछ भी देखो ग्रेटर हिमालयाज देखा आपने, हाँ जी ग्रेटर हिमालयाज है, उसमें ये चीज़ें हैं, उसके दो मेजर रेंज हैं, एक जंस्कार है और एक काराकोरम है। जंस्कार में क्या क्या है जी? इसमें जंस्कार रिवर फ्लो करती है एंड सुरू रिवर फ्लो करती है, यहाँ पर जो एवरेज हाइट है उतनी रहती है, और साथ ही साथ हमने देखा कि इसमें इंपॉर्टेंट पीक्स हैं यहाँ पर जो इतनी इतनी रहती हैं। देन इसके एल्टीट्यूड के बारे में हमने देखा। देन हम काराकोरम पे आ गए, जंस्कार रेंज उसमें जो है उसके नॉर्थ में पाई जाती है काराकोरम रेंज, एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कश्मीर जो है वो जंस्कार रेंज काराकोरम रेंज ने घेरा हुआ है। इसमें ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन रेंजेस जितनी भी हमारी दुनिया की हैं वो इसी रेंज में पाई जाती हैं। K2 जिसकी हाइट 8611 मीटर है वो इसी एरिया में सिचुएटेड है। तो गाइज इस तरीके के मेजर फैक्ट्स आप अपने कॉपी पे नोट डाउन कर सकते हो। हाँ, अगर आपको PDF चाहिए गाइज, PDF आपको इजीली टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसकी घबराने की कोई बात नहीं। हाँ, और गाइज कुछ बच्चों के क्वेश्चंस भी थे कि क्या ये वीडियो लेक्चर फ्री है? यस गाइज, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है उन बच्चों के लिए, बिकॉज कोविड ने जिस तरीके की सिचुएशन हमारे इंडिया में क्रिएट की हुई है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बेचारे एफर्ट नहीं कर पा रहे थे, जो बच्चे काम कर कर पैसा कमा कर पढ़ रहे थे, उन्हीं बच्चों के हमें कॉल्स आए, उन्हीं को हमने उनसे जो है राय ली, एंड देन गाइज हमने ये डिसाइड किया था हम ये पोस्ट के लिए जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ाएंगे गाइज। ठीक है, सो गाइज ध्यान से पढ़िएगा इन चीज़ों को। चलिए नेक्स्ट चीज़ क्या देख रहे हैं गाइज हम लोग? अब हमने ग्रेटर हिमालयस को डिस्कस किया। ग्रेटर हिमालयस को डिस्कस करने के बाद हमने देखा कि जो फिफ्थ फिजियोग्राफिकल डिवीजन हमने कश्मीर की हुई है वो है वैली ऑफ कश्मीर गाइज। सबसे पहले तो वैली क्या होता है गाइज? वो लैंड का हिस्सा जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा होता है उसको हम वैली कहते हैं, जैसे कश्मीर को हम वैली कहेंगे। ठीक है, सो गाइज वैली ऑफ कश्मीर की अगर मैं बात करूं तो इसकी जो शेप है वो एक बाउल की तरह है, जो चाय की प्याली हम पीते हैं ना घरों में, स्पेशली जो कश्मीर में आप देखते हो नमकीन चाय वाली जो प्याली होती है, ये उस शेप में है, बिल्कुल पहाड़ों से घिरा हुआ और बीच में है आपका कश्मीर। डीप बेसिन विच लाइज बिटवीन द पीर पंजाल एंड वेस्टर्न एंड ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंजेस, जिसमें आप देखोगे कि इसमें जो है पीर पंजाल और साथ ही साथ वेस्टर्न एंड देखोगे उसका तो हिमालयन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी गाइस। कश्मीर वैली जो है वो लाई करती है बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 32 डिग्री एंड 43 डिग्री नॉर्थ पर, एंड उसका लॉन्गिट्यूड जो है गाइस 74 डिग्री ईस्ट है। ये इसका लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल जो है इसका क्या है गाइस? एक्सटेंट है। इसको याद रखिएगा, अगर ऐसे फिलहाल पेपर में ऐसी चीज़ें नहीं पूछ रहे हैं, सिर्फ आपको सीधा पूछ सकते हैं यूटी के बारे में, ऐसे पर्टिकुलरली आपको कश्मीर का नहीं पूछेंगे। वैली जो है गाइज हमारी वो तकरीबन 100 किलोमीटर में वो फैली हुई है, एंड गाइज उसके एरिया की बात की जाए तो इट्स 15,520 स्क्वायर किलोमीटर में इसका टोटल एरिया है गाइज। अगर हम बात कर रहे हैं आपके कश्मीर की कुछ इस तरीके से, सो गाइज इसका अगर हम स्ट्रेच देखेंगे, फैलाव देखेंगे गाइज, तो ये तकरीबन 100 किलोमीटर में जो है ये फैली हुई है, और इसका जो एरिया है गाइज वो है तकरीबन 15,520 स्क्वायर किलोमीटर इसका टोटल एरिया बनता है गाइज। क्लियर है ये पॉइंट भी गाइज आपको? बिल्कुल गाइज, फैक्ट्स जैसी चीजें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। एवरेज एलिवेशन देखी जाए गाइज हमारे वैली की तो वो है गाइज 1850 मीटर, 1850 मीटर जो है वो सी लेवल से ऊपर ये मिलेगा आपको। इट इज़ फिल्ड बाय, ये जो हमारा बाउल है गाइज कश्मीर जिसको हम कह रहे हैं, ये फिल्ड है, भरा हुआ है सेडिमेंट ऑफ लेक्स एंड गाइज एल्यूमिनियम डिपॉजिट बाय द अपर झेलम रिवर। अब आपको एक चीज याद रखनी है दैट झेलम इज कंसिडर्ड एज द लाइफ लाइन ऑफ द वैली ऑफ कश्मीर गाइज।
एक इकलौती रिवर है जो आपके कश्मीर में इस वैली में से बहती है, आप इसको लाइफलाइन ऑफ कश्मीर भी कह सकते हो। ये रिवर आज का नहीं गाइज, ज्योग्राफी हमेशा पास्ट को भी स्टडी करती है कि कश्मीर में अगर इतनी खूबसूरत जगहें हैं या इतने ज़्यादा प्लेट्यूज क्रिएट हुए हैं या इतनी ज़्यादा जो आपके लेक्स क्रिएट हुई हैं, द ओनली क्रेडिट गोज टू अवर रिवर दैट इज झेलम रिवर। काफ़ी इंपॉर्टेंट उसका जो है रोल रहता है कश्मीर वैली के अंदर। देर आर एक्सटेंसिव एलिवेटेड प्लेट्यूज ऑफ ऑल्यूविलियम एंड लैकुस्ट्राइन मटीरियल इन द वैली। आप अगर वैली के अंदर चले जाओगे, बहुत सारे बच्चे जो हमारे साथ कश्मीर में जुड़े हुए हैं हमारे चैनल से, तो उनको पता ही होगा कि कश्मीर में जो वैली है गाइज उसमें क्या है, कुछ प्लेट्यूज भी हैं। प्लेट्यू क्या होता है गाइज, थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर उठा हुआ हिस्सा, काइंड ऑफ ऐसे आपको देखने के मिलेंगे प्लेट्यूज। और वो प्लेट्यूज कैसे हैं, प्लेट्यूज ऑफ ऑलिव ऑयल, काफ़ी रिच होंगे वो, फर्टाइल होंगे एंड लैकुस्ट्राइन होगा। लैकुस्ट्राइन मतलब जो सेडिमेंट्स हमारे लेक्स वगैरह एसोशिएट करते हैं हम इसको लेक्स के साथ, वैसा मटेरियल आपको मिलेगा इन द वैली में। दीज डिपॉजिट और प्लेट्यूज आर नोन एज केरवास, उनको हम कहते हैं वहाँ पर केरवास। क्या कहते हैं गाइज, केरवास कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली केरवास और वॉट, केरवास और डिपॉजिट्स ऑफ प्लेट्यूज, ठीक है गाइज, याद रखेगा। बेसिकली क्या है, जो हमारे ऑल्यूवल और जो मटेरियल जो वहाँ पर डिपॉजिट हुआ है, जो डिपोजिशन उनकी हुई है, उसकी वजह से जो मिट्टीज हमारे पास हैं गाइज वहाँ पर था ना, उसकी वजह से वहाँ पर केरवास जो है वो बने हुए हैं। और इन केरवास को लोकली नाउन कहा जाता है वुडार्स। जैसे आप भद्रवाही में देखो ना, तो भद्रवाही में उडार कहते हैं खेत को, ठीक है, हम कहते हैं उडार में जा रहे जी, है ना। तो उडार इज व्हाट, उडार इज खेत काइंड ऑफ, है ना। तो आप देखते हो हमारे खेत कैसे, तो वैसे इन्होंने कहा है कि यहाँ पर जो केरवास है उन केरवास को कहा जाता है आपका वुडार्स। एंड बहुत सारे आपको प्रोमिनेंट प्लेसेस मिलेंगे, बहुत खूबसूरत जगहें मिलेंगी वुडार्स पर। जैसे ये कहता है कि वुडार्स आर फाउंड एक्सटेंसिवली, आपको ये एक्सटेंसिवली एंड कॉन्टिन्यूसली ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर झेलम। झेलम जहाँ जहाँ से बहेगी उसके साथ साथ आप देखोगे ना कि जो डेपोजिशनल प्रोसेस हुआ होगा और उसकी वजह से जो गाइस वहाँ पर जो लैंड क्रिएट होते हैं, जो लैंड क्रिएट हुई है जहाँ जहाँ से झेलम रिवर बह रही है, उस प्लेट्यू को, है ना, मैंने आपको कहा ना कि ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ, उस प्लेट्यू को हम लोग कहते हैं केरवास या लोकल भाषा में कहें तो वुडार्स। तो वैसे ही गाइस यहाँ पर कहता है बहुत सारे वुडार्स जहाँ जहाँ से आपकी झेलम फ्लो करती है, जैसे आपने रिवर्स में देखा है ना वो बांगर और खादर काइंड ऑफ, तो वैसे ही यहाँ पर ये केरवास के बारे में बता रहा है। एंड केरवास को लोकली क्या कहते हैं, वुडार्स कहते हैं। और वुडार्स जो हैं वो एक्सटेंसिवली आपको मिलेंगे लेफ्ट साइड ऑफ द रिवर झेलम के। मटन वुडार, जैनपुर वुडार, नगम वुडार, कुशीपुरा उडार, मुखामा उडार एंड सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वुडार्स हैं गाइज, ठीक है। इन ये कश्मीर में जो बच्चे रहते हैं हमारे, उनको तो पता ही होगा इनके बारे में, ठीक है। लेकिन गाइज आपने इसमें से एक ही चीज़ याद रखनी है, दैट द पैम्पोर उडार है गाइज इज नोन फॉर सैफ्रॉन कल्टिवेशन। सैफ्रॉन कल्टिवेशन के लिए हमारा जो पैम्पोर जो हमारा उडार है गाइज वो काफ़ी माना जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सैफ्रॉन की कल्टिवेशन बहुत हाई लेवल पर होगी। क्यों होगी गाइज, यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं क्यों होगी, बिकॉज ये जो उडार है ना ये काफ़ी रिच होते हैं, मैंने अभी आपको बताया रिच इन ऑलिव ऑयल, ठीक है, काफ़ी रिच होते हैं ऑलिव ऑयल में। एक पेड़ के लिए जितनी भी नीडी चीज़ थिंग्स जो हैं एक मिट्टी के अंदर होनी चाहिए, वो सारी की सारी जो हैं इसमें पाई जाती हैं। दैट इज़ वाई दीज वुडार्स आर नोन एज ऑलिव ऑयल इन नेचर, ठीक है, जो भी है, ठीक है, समझ आ गया इसको। साथ साथ गाइज अगर हम देखें वैली ऑफ कश्मीर को, तो बनिहाल पास है नाउ, जिसको आज हम जवाहर टनल कहते हैं, इज़ द नेचुरल वे टू एंटर द वैली ऑफ कश्मीर फ्रॉम साउथ। हम लोग साउथ से एंटर हो सकते हैं कश्मीर, वो जो बाउल शेप मैंने आपको पहली लाइन में ही बताया, दैट हमारा जो कश्मीर है वो एक बाउल शेप में है। और उस बाउल शेप में एंटर कहाँ से हो सकते हो आप एंटर हो सकते हो साउथ ऑफ द कश्मीर वैली। साउथ ऑफ द कश्मीर वैली से आप एंटर हो जाओगे एंड उस एंटर पॉइंट को जो है वो भी जो है क्या है, एक पास है बनिहाल पास, लेकिन आज वहाँ पर एक टनल बना हुआ है जिसको आप कहते हो जवाल टनल, है ना। जोहार टनल इज़ द ओनली सोर्स जिससे आप जम्मू से एंटर हो सकते हो कहाँ पर, कश्मीर में, ठीक है। गॉट इट गाइज, ये था आपका वैली ऑफ कश्मीर के बारे में। एंड आई होप गाइज कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। कोई डाउट्स अगर इसमें आपको हैं तो गाइज आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हाँ, जब आपके MCQs आएंगे गाइज तब आप मुझे बताना आप कितने MCQs के आंसर दे सकते हो और कितने के आंसर्स नहीं दे सकते हो।
जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है गाइस, उसको अपने नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी पर लिख लीजिए, ताकि आपको उसकी हेल्प जो है वो मिल जाए। नेक्स्ट कह रहा है गाइस, दैट इज जब वैली है रीजन कंप्राइजेस ऑफ पिक्चरिक प्लेसेस, काफ़ी खूबसूरत जगहें देखने को मिलेंगी आपको वैली के अंदर। कश्मीर, मैं तो कभी गया नहीं हूँ कश्मीर, बट ऐसा मेरा बहुत मन है कश्मीर घूमने का। लेकिन जो लोग विजिट कर चुके हैं या जो लोग ऑलरेडी वहाँ पर रहते हैं गाइज, उनको पता ही है कि कितनी खूबसूरत जगह है हमारी कश्मीर के बारे में। वहाँ की पिक्चरिक देखेंगे आप, जैसे श्रीनगर है, अनंतनाग, बारामूला, बडगाम, पुलवामा, कुपवाड़ा, बांडीपुरा, गांदरबल, कुलगाम एंड शोपियान, ये सारे के सारे इतने खूबसूरत प्लेसेस हैं। और इन सब जगहों पर आप जाओगे तो आपको नेचर जो है उसके बारे में जानने को मिलेगा गाइस, दैट हाउ नेचर जो है खुद को कैसे बनाती है, किस तरीके से सर्वाइव करती है गाइस नेचर, है ना। सो ये सारी की सारी जगहें जो हैं आपको खूबसूरत दिखेंगी। कश्मीर वैली जो है इज़ ड्रेन्ड बाई झेलम रिवर। कश्मीर वैली में झेलम रिवर जो है वो जो है अपनी मस्ती में चलती है, जो भी हम कहेंगे शायराना अंदाज में, विच राइजेज फ्रॉम झेलम रिवर। की बात करूँ तो वेरीनाग स्प्रिंग से निकलती है आपकी झेलम रिवर। और जो लार्जेस्ट लेक है गाइस हमारे कश्मीर वैली की, वो है वुलर लेक। क्या है गाइस? वुलर लेक है वो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट एंड लार्जेस्ट अगर हम देखें लेक है ये वैली की। और इसको फेड किया जाता है, मतलब इसको, इसके अंदर पानी जो है वो कहाँ से आता है गाइस? इट कम्स फ्रॉम रिवर झेलम। झेलम रिवर ही उसको जो है वो पालती इन द सेंस उसमें अपना पानी जो है वो डालती है, ठीक है ना गाइस। तो आपको पता चल रहा है दैट कश्मीर वैली नॉर्थ से किससे घेरा हुआ है, साउथ से कैसे घेरा हुआ है, बॉल है तो एंटर कहां से होंगे, किस पास से एंटर होंगे, कश्मीर में कौन से खूबसूरत जगहें हैं, ये तो आपको पता ही है। साथ ही साथ गाइस आपने देखा कि जो हमारा वुलर लेक है वहां पर एक बहुत बड़ी झील है। साथ ही साथ हमने देखा कि वुलर जो है उसको जो है उसका उसमें पानी कहां से आता है, झेलम रिवर से आता है। और झेलम रिवर कश्मीर वैली की एक प्रोमिनेंट रिवर है, और ये झेलम रिवर जो है वो वेरीनाग से जो है वो निकल रही है, है ना। तो धीरे धीरे आपको चीज़ों के बारे में पता चल रहा है। झेलम रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज हैव कर्व्ड आउट सेवरल स्मॉलर वैलीज। अब क्या होता है गाइज, एक रिवर यहाँ से फ्लो करती है, एक यहाँ से फ्लो कर रही है, एक यहाँ से फ्लो कर रही है, इसकी वजह से क्या होता है, ये जो बीच वाला पार्ट है ना गाइज, ये क्रिएट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइड वैली कहते हैं। तो यही ये कह रहा है कि झेलम रिवर और साथ ही साथ उसके जो बाकी चीजें हैं, उन्होंने सर्वल स्मॉल वैलीज क्रिएट की हुई हैं, एंड दे आर नोन एज साइड वैलीज। इनको हम क्या कहते हैं गाइज, साइड वैली कहते हैं। बहुत बार पेपर में इनके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है दैट साइड वैलीज क्या होती हैं गाइज। तो साइड वैलीज हमेशा आपसे पूछा जाता है दैट साइड वैलीज क्रिएटेड बाय, कौन है जो साइड वैली क्रिएट करता है, कोई रिवर है, माउंटेन है, है ना, कोई आपके ड्रेनेज है, कुछ भी आपसे ऑप्शन में देख सकते हैं। लेकिन आपने याद रखना है कि साइड वैली इज़ ऑलवेज क्रिएटेड बाय रिवर। रिवर ही होगा जो आपका साइड वैली क्रिएट करेगा। कैसे करेगा? जो उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगे वो उसको इधर उधर से जाएंगी, उसके बीच में जो एरिया आएगा नदी, दो नदियों के बीच में, उसको हम क्या कहेंगे गाइस, साइड वैली कहेंगे। एंड वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट साइड वैलीज इन कश्मीर, जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है, तो उन्हीं के बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। सो साइड वैली आपका क्लियर हो गया। झेलम रिवर एग्जिट्स द वैली। झेलम रिवर कश्मीर का साथ या कश्मीर से अपना जो सफर है गाइस वो ख़त्म करती है बारामूला गॉर्ज में, मतलब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से वो बाहर निकल जाती है कश्मीर से। और गाइस बात की जाए जहां जहां से रिवर जो रिवर निकल रही है आपकी, वहां पर कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड मेज, मक्की जो है वो काफी अच्छे क्वांटिटी में जो है वो की जाती है, ठीक है। जैसे जम्मू में चावल इधर भी उगाए जाते हैं, लेकिन जब कश्मीर में भी हमारे लोग हैं जो चावल और जो मेज जैसी खेती करते हैं गाइस। क्लियर हो गया गाइस यहां से। अब हम पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट साइड वैलीज के बारे में। सो सबसे पहले ये कह रहा है कि हमारे पास आती है सिंध वैली। अब सिंध वैली क्या कहती है गाइस? सिंध वैली कहां पर है? सबसे पहले तो इट लाइज इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कश्मीर। कहां पर? कश्मीर वैली में अगर आप चले जाओगे नॉर्थ ईस्ट में, ये है आपका नॉर्थ, ये है आपका ईस्ट, तो इस एरिया में जितनी भी रिवर्स क्रिएट होंगी ना, ये ऐसे ऐसे जो एरियाज क्रिएट करेंगे, ये क्रिएट किया जाएगा इस, यहां पर मिलेगी आपको सिंध वैली नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। इट इज लॉन्ग वैली, ये लॉन्ग है गाइस, लंबी वैली है मेड बाय द फ्लोइंग ऑफ रिवर सिंध।
आपसे पूछ सकता है दैट सिंध वैली कौन सा रिवर क्रिएट कर रहा है। तो याद रखिएगा गाइज, सिंध वैली जो है उसको क्रिएट कर रहा है सिंध रिवर। इट इज 65 किलोमीटर लॉन्ग विद अ विड्थ ऑफ 1 किलोमीटर। अगर हम देखें 500 मीटर, लेकिन हमने इसको 1 किलोमीटर ही लिया हुआ है, इसको मैं ब्रैकेट में रखना भूल गया। देखिए कहता है कि इसकी अगर आप स्ट्रेच की बात करोगे तो ये इसकी लंबाई जो है तकरीबन 65 किलोमीटर ये लंबा है, और इसकी विड्थ की बात करोगे तो 1 किलोमीटर ये चौड़ा है। ये वैली आपको दिखेगी, सिंध वैली, कहाँ पर, जो सिंध रिवर जहाँ से फ्लो कर रहा है। नेक्स्ट वी हैव लिधर वैली, और लिधर वैली जो है वो साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द कश्मीर में है, एकदम कोने पे है साउथ ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द कश्मीर वैली में। एंड दिस वैली इज मेड बाय द लिधर रिवर, और यहाँ से लिधर रिवर जो है वो फ्लो करता है, एंड गाइज उसी से जो है वो आपका ये वैली जो है वो क्रिएट होती है। पार्ट ऑफ जो कुछ पार्ट्स हैं अनंतनाग के, एंड पिक्चर्स टू द पहलगाम लाई इन दिस वैली। कुछ खूबसूरत जगहें हैं जैसे अनंतनाग में जाओगे आप लोग एंड पहलगाम की तरफ जो जाते हैं तो उसमें आपको ये वैली जो है वो देखने को मिलेंगी। द लेंथ ऑफ द वैली इज, इसकी लेंथ की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए तो तकरीबन 40 किलोमीटर में ये फैला हुआ है, और इसकी विड्थ देखी जाए गाइज तो 3 किलोमीटर इसकी विड्थ है गाइज, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए लिधर वैली, सिंपल याद रखिए राम, सिंध वैली क्रिएटेड बाय सिंध रिवर, एंड उसके बाद लिधर वैली है, लिधर वैली इज क्रिएटेड बाय द रिवर लिधर, ठीक है। समझ आ गई गाइज, क्लियर है ये पॉइंट भी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड को डिस्कस करें गाइज। तो आपका आ रहा है थर्ड जो वैली हमारे पास आता है, दैट इज लोलब वैली। लोलब वैली की बात की जाए गाइज, तो लोलब वैली जो है ये ओवल शेप्ड है, बिल्कुल एक अंडे की शेप में है ना पूरा ऐसे, ठीक है। 24 किलोमीटर लॉन्ग, 25 किलोमीटर लॉन्ग एंड 3 किलोमीटर ये वाइड है। द वैली लाई इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ कश्मीर वैली, और ये कहां पर है गाइज, कश्मीर के बिल्कुल आप जब नॉर्थ वेस्ट में चले जाओगे उसमें कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको ये वैली जो है वो देखने को मिलेगी गाइस, ठीक है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे तो डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता पढ़ ही चुके हैं कि कश्मीर में कौन कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो याद रखिएगा जब मैं कुपवाड़ा कह रहा हूँ तो इट लाइज इन द कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट गाइस, ठीक है। और यहाँ पर जो रिवर आपका चलता है दैट इज लोहवाल रिवर जो है वो लाहवल रिवर जो है गाइज वहाँ पर फ्लो करता है, एंड इट क्रिएट लोलब वैली जो है वो यही रिवर बनाता है। नाउ वी हैव द फर्स्ट एंड द लास्ट वन, दैट इज दक्षम वैली। एंड दक्षम वैली की बात की जाए, दिस वैली इज लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ कश्मीर वैली इन अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट। कहाँ पर पाया जाता है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में, एंड इट इज लोकल अराउंड द पॉथ ऑफ द ब्रिंगी रिवर, और ये ब्रिंगी रिवर है वहाँ पर जो फ्लो करती है, और इसी के अराउंड लोकेट करता है आपका दक्षम वैली गाइस। समझ आ गए गाइस, आपने आज साइड वैली के बारे में पढ़ा, आपने आज मिडल जो आपके हिमालयास थे उनके बारे में पढ़ा, एंड सो मेनी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आर देयर जो आज आपकी आज की वीडियो में कवर अप हो गए हैं गाइस। छोटी छोटी वीडियोस बनाएंगे गाइस ताकि आपके जो है आप भी बोर ना हो और आप चीज़ें जो हैं वो अच्छे से पढ़ सको। ये सारी चीज़ें एक बार फिर से रिपीट होंगी जब हम लोग MCQ सीरीज करेंगे गाइस, एंड जब हम इंडियन ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे फिर से हम इन पर आने की कोशिश करेंगे गाइस। आज की वीडियो में गाइस इतना ही, एंड गाइस जितने भी बच्चों की क्वेरी है हम उस पर जल्दी से जल्दी फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप बहुत सारे बच्चों का ये कहना था कि क्या ये फ्री रहने वाला कोर्स है, बिल्कुल गाइस ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। आपको डेली की वीडियोज डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे टीचर जो इस पर वर्क कर रहे हैं अपनी दिन रात की मेहनत, मैं कह सकता हूँ रात को 2 बजे शूट करना पड़ता है या जितना भी है गाइस, प्रॉपरली गाइस टीचर हमारे बहुत मेहनत कर रहे हैं। सिर्फ हमारे टीचर आपसे सिर्फ इतनी चीज़ें मांगते हैं, आपका एक लाइक बटन और आपकी तरफ से एक कमेंट गाइस, ठीक है। सो ये चीज़ें हमें जो है कहीं ना कहीं बूस्टअप करती हैं, हमें जो है एनकरेज करती हैं कि हम लोग और कुछ अच्छी चीज़ें लेकर आपके पास आए, ठीक है। नेगेटिव कमेंट्स भी रहते हैं लेकिन डोंट वरी, एक टीचर का काम है सुनना एंड उस पर एक्ट करना, बिकॉज आप ही लोग हमें टीचर बनाते हो, है ना, काइंड ऑफ ऐसे ही कुछ चल रहा है। चले छोड़ो इस बात को। तो गाइज आज की वीडियो आपके लिए, आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर बताइएगा, एंड जो भी आपके डाउट्स हैं आप हमारे जो ऑफिशियल नंबर है या शुभम सर का नंबर है, ऑफिस नंबर है, उस पर कॉन्टैक्ट कर जो है वो पूछ सकते हैं। और बाकी तो आपको पता ही है क्या करना है, अगेन वही शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिएगा पेज को। एंड गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ, कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड थैंक यू सो मच गाइज़।